الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاة کے بعد احباب ذی وقار ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے کرامات اولیاء قسط نمبر 2 از اشرف علی تھانوی احباب ذی وقار الحمدللہ علی احسانہ ہی جب سے اسلام شروع ہے رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک کے جتنے مسلمان گزرے ہیں ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
अल्लाह की अता से इल्मे गैब भी रखते हैं, इख्तियारात भी रखते हैं। जहरी पर्दा फरमाने से पहले और माँ बाप जहाँ चाहें अल्लाह की अता से तसर्रुफात भी रखते हैं, और कायनात का कोई ज़र्रा आप अलैहिस्सलाम से छुपा हुआ नहीं है। एक ही वक्त के अंदर अगर कई मकामात पर तशरीफ लेके जाना चाहें, आज भी सरकार को रब की तरफ से ये सारी फजीलतें और कमालत अता किए गए हैं। यह है मुसलमानों का अकीदा। इसी तरह अगर कोई मुश्किल में फंसा हो उसकी मुश्किल को दूर कर देना, कोई बीमारी में हो उसको शिफा दे देना, मुर्दा हो उसको जिंदगी दोबारा से अता कर देना, ये सारी वो बातें हैं जिन पे तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है। बदकिस्मती से कुछ लोग अपने आप को मुसलमान कहने वाले, काफिर उनको हम भी नहीं कहते यज़ेन मेरे, इल्ला ये कि किसी के हक में ऐसी सरी गुस्ताखी साबित हो जाए तो वो भले सुन्नी भी हो तो वो काफिर हो जाएगा। इसके बावजूद इन तमाम चीज़ों का आज मुख्तलिफ अंदाज में अम्बिया अलैहिस्सलाम से, खुसूसन रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुकद्दसा से इन चीज़ों की नफ़ी की जाने की कोशिश की जाती है। जितनी चीज़ें मैंने पीछे अपने भाइयों को अर्ज की, आज बदकिस्मती से लोग इन चीज़ों की सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ात से नफ़ी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ना तो नफ़ी हुई है ना क़यामत तक हो सकती है। हमारा मुद्दा और मकसूद इस तमहीद के अर्ज करने का, वो मुसलमान भाई और बहनें हैं जो कुरान सुन्नत से होते हैं दूर, उलमा से भी होते हैं दूर, उलमा हक्का की बात की, तो ऐसे लोगों के जाल में फंस कर अपना ईमान कर बैठते हैं बर्बाद। हम ज्यादा उनको मुखातब कर रहे हैं आज के जुमा में यहाँ जितने मौजूद मस्जिद में या इंटरनेट के जरिए, जब तक अल्लाह को मंजूर और जहां तक अल्लाह को मंजूर है ये आवाज पहुंचेगी, हम अपने उन तमाम भाइयों और बहनों को ये अपील और अर्ज करना चाहते हैं, जिन सारी बातों का पीछे जिनको मैंने अभी जिक्र किया, रसूलुल्लाह की जात से आज नफी करने की कोशिश की जाती है, हम अर्ज करने चले हैं आज के जुमतुल मुबारक के खुतबा में, ये सारी जितनी मैंने पीछे सरकार के बारे में अपने अकीदे की वजाहत की, ये सारी बातें अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में, अपनी किताब जमालुल, ये सारी बातें इस किताब में अल्लाह के वलियों के लिए साबित कर दी है। गौर करने वाली बात है। एक जानिब अल्लाह के पाक पैगंबर इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की बारे, आपकी जात के बारे में इन्हीं बातों को ना मानना जाए, उनकी नफी की जाए, और दूसरी जानिब जितने देवबंद हैं मैं उन सब को कह रहा हूं, आपके मसलक की बुनियाद अशरफ अली थानवी तक है, आपके मसलक की बुनियाद अशरफ अली, शेख अशरफ अली थानवी तक। तुम्हें आज क्या हो गया है, क्योंकि हम बैठे हैं सिर्फ इस्लाह की नियत, तुम्हें आज क्या हो गया है, जो बातें तुम्हारे मसलक की जिस बंदे पर बुनियाद है, जिसकी तरफ निस्बत करते हो, तुम अपने आप को आले सुन्नत देवबंद ब्रैकेट में लिखते हो, अगर वो ये सारी बातें अल्लाह के वलियों के हक में लिख दे कि अल्लाह का वली यूं भी कर सकता है, अल्लाह का वली ये भी रखता है शान, अल्लाह का वली ये भी, तो कितनी बड़ी बदबख्ती है। मसलक की बुनियाद जिन लोगों से है वो कहें ये शाने अल्लाह के वलियों की हैं, और मसलक वाले कहें हम ये शाने नबी के लिए नहीं मानते,
बदबख्ती है कि नहीं? अगर तुम्हारे पास किताब नहीं, मार्केट से मिल जाती है, तुम्हें नहीं मिलती, हमें बताओ, हम अपने पैसों से खरीद के तुम्हें देंगे। नियत फकत यह है कि कहीं तुम्हारा ईमान महफूज हो जाए, कहीं तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ, कहीं तुम हिदायत और इन गुस्ताखियों से बाज आ जाओ। शेख अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब जमालुल औलिया में, अब हम वो बातें साबित करने चले हैं जो मैंने अकायद अपने रसूलुल्लाह की जात के मुतलक अर्ज किए अपनी तमहीद में, वो सारी बातें शेख अशरफ अली थानवी ने जमालुल औलिया में अल्लाह के वलियों के लिए साबित कर दी हैं। तो वली कौन होता है? इस उम्मत का एक परहेजगार मुत्तकी फर्द, रसूलुल्लाह की उम्मत का परहेजगार मुत्तकी फर्द अल्लाह का वली होता है। रसूलुल्लाह से न जाने कितने वास्तुओं और वसीलों से भीख मांगने वाला, सरकार के दरवाजे से कितने वास्तुओं और वसीलों से जो भीख मांगने वाला है सरकार के दरवाजे से, उनके लिए सारी बातें अगर साबित हैं तो फिर मानना पड़ेगा जिनके दरवाजे से भीख मांगने वाले सायलीन की ये शान है तो मुस्तफा करीम की शान का क्या कहना। और किताब भी तुम्हारे घर की है। मैं बार बार बोलूं, शेख अशरफ अली थानवी ने जमालुल औलिया में, आज की पहली करामत, आज के दर्स की पहली करामत, सफा 45 पे लिखते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर के हवाले से इसको नकल करते हैं, तफसीर कबीर के हवाले से और तफसीर कबीर के उस जुज से जहां सूरह काहफ की तफसीर करते हुए इमाम फखरुद्दीन राजी रदियल्लाहु तआला ने औलिया की करामात पे कलाम फरमाया, वहां से एक करामत नकल करते हैं, वहां से एक करामत कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब अतम, खलीफा अव्वल, खलीफतुल मुस्लिमीन वल मुत्तकीन, इमामुल मशारिक वल मगारिब, शहंशाह सदाकत, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वसीयत फरमाई थी, ए लोगो, ए जब मेरा जनाजा हो जाए, मेरी बारी है दफन करने की, बारी आ जाए दफन, तो फिर इस तरह करना, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के सामने, क्योंकि उस वक्त यह गुंबद नहीं बना था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के मेरे जनाजे को रख देना और कहना, अर्ज करना, अपील करना, या रसूल्लाह ये आपका खादिम है, या रसूल्लाह ये आपका नौकर है, ये आपका गुलाम है, आपके साथ दफन होने की इजाजत तलब करता। रसूल कायनात फखरे मौजूदात अलैहि सलाम को पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 2.5 साल गुजर गए। गौर करना, शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं, जब अबू बकर सिद्दीक का जनाजा सामने ले गए साहबा और वसीयत के मुताबिक अपील की, या रसूलुल्लाह ये आपका खादिम है, आपका नौकर है, आपका गुलाम है, ये अबू बकर है, ये अबू, क्योंकि कहा था इजाजत मिल जाए तो इधर सैयद आयशा के हुजरे में मुझे सरकार के साथ दफन कर देना, अगर इजाजत ना मिले तो फिर आम मुसलमानों के साथ जन्नतुल बकी में दफन कर देना। आप सहाबा का अकीदा देखो कि रसूलुल्लाह देख भी रहे हैं, सुनते भी हैं, और अगर चाहेंगे तो हमें इजाजत भी कब्र से अता फरमा देंगे। ये सहाबा का अकीदा है। लिखने वाले शेख अशरफ अली थानवी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सुनियों का अकीदा भी यही है। अब जवाब देखें, सहाबा चलो इश्क में आके उन्होंने ये कह तो दिया, उनके अकीदे की लाज रसूलुल्लाह ने किस तरह रखी है। आप लिखते हैं, इमाम फखरुद्दीन राजी जिसको नकल किया शेख अशरफ अली थानवी ने रसूलुल्लाह के कब्र मुबारक के सामने, सैयद आयशा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे के बिल्कुल सामने जहां रसूलुल्लाह मदफून है, आपकी बारगाह में यह अपील की गई, शेख अशरफ अली थानवी के जुमले हैं, सबसे पहले सहाबा ने यूं कहा, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या, आज हम भी यही कहते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या ज्यादा से ज्यादा सलात का जुमला बढ़ा लेते हैं, अस्सलात व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, असल जुमले हैं अलैका या रसूलल्लाह पे। शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं, सहाबा किराम ने सरकार की बारगाह में जब जनाजा रखा अबू बकर सिद्दीक का, तो पहला जुमला क्या था,
अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। फिर अर्ज की, ये अबू बकर हैं, इजाजत तलब करते हैं। अब अंदर से यानी सरकार मदीना अलैहि सलातो व तस्लीम से कब्र मुबारक से सरकार आवाज देते हैं। सहाबा की पुकार सुनने के बाद सहाबा साइलिन बन के आए, उनका सवाल सुनने के बाद जवाब देते हैं। फरमाया हबीब को हबीब के साथ ही मिला दो, हबीब को हबीब के साथ ही। मैं पूछता हूं, यह सफा नंबर 45 पे जमाल औलिया अशरफ थानवी लिखता है, अगर आप अहले सुन्नत के अकायद की तरफ आए तो कौन सी बात है जो इसी एक रिवाज से साबित नहीं होती? रसूलुल्लाह कब्र में रहते हुए जिंदा भी हैं, रसूलुल्लाह कब्र में रहते हुए आने वालों की पुकार को भी सुनते हैं, अगर चाहें तो उनको मुश्किल दूर करते हुए जवाब भी देते हैं। अगर कब्र वाले जानते नहीं बार क्या हो रहा है, अगर कब्र वाले मर के मिट्टी में मिल गए माज अल्लाह, तो रसूलुल्लाह की बारगाह में सहाबा ने यह सवाल क्यों किया? फिर बकौल तुम्हारे रसूलुल्लाह मर के माज अल्लाह मिट्टी में मिल चुके हैं, ये आवाज सरकार ने जो अंदर से अता फरमाई कि हबीब को हबीब से मिला दो, तुम यह भी नहीं कह सकते कि यह आवाज अल्लाह की तरफ से थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इजाजत थी, रसूलुल्लाह को ही सलाम पेश किया गया और रसूलुल्लाह ने ही अपनी मुकद्दस जुबान मुबारक से फरमाया हबीब को हबीब के साथ ही मिला दो। मालूम हुआ जो हम कहते हैं वही सहाबा का अकीदा था, या यूं कहें जो अकीदा सहाबा का था आज अहले सुन्नत भी उन्हीं अकायद पे अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। और अपने माने ना माने ये तो दूसरों ने भी लिख दिया, मजा तब है जब और लोग भी मान लें। किसी भी अकीदे का मजा तब है जब और लोग भी। अब ये जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुख्तलिफ कलमात कहे जाते हैं उनको देखें, और इधर शेख अशरफ अली थानवी की इस पहली बात को देखें। दूसरी बात सफा नंबर 58 पे जाके लिखते हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन के जितने कातिलीन थे, जिसने आपके शहीद करने में किसी तरह की हेल्प की, मदद की, या कम से कम खामोशी इख्तियार कर ली, जो हो रहा है ठीक है हमें क्या, जो हो रहा है ठीक है हमें, जो इस अकीदे का भी मालिक था, अशरफ अली थानवी लिखता है अल्लाह ने उन तमाम को किसी न किसी मर्ज में मुबतला जरूर किया है। लिखते हैं कि यह इमाम हुसैन की करामत है, यह इमाम हुसैन की क्या है, करामत है। क्या भाई कोई किसी तरह पलीत मरा जहन्नम को, कोई किसी तरह जहन्नम को वासिल हुआ? तो शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं एक शख्स इमाम अली मकाम के कत्ल में शहीद होने में फकत उस पार्टी की तरफ से हाजिर था, न उसने कहा न किया, वो अंधा हो गया। क्या हो गया? इमाम हुसैन की करामत लिख रहे हैं शहीद होने के बाद की। लिखने वाला कौन है? देवबंदियों के बहुत बड़े पीर और मुर्शिद, बहुत बड़े इमाम शेख अशरफ अली थानवी। क्या लिखता है? एक शख्स क्या हो गया? अंधा हो गया। तो किसी ने पूछा अंधे होने का सबब क्या है? गौर करना, अंधे होने का, अभी तो रसूलुल्लाह के सामने है सहाबा, अब बात मदीने से है सैकड़ों किलोमीटर दूर कूफे के शहर की हो रही है। अंधे से पूछा जाता है अरे नबीना तू कब से कैसे नबीना हुआ? शेख अशरफ थानवी लिखते हैं उसने कहा मैंने एक रात, क्योंकि यजीदी पार्टी का यह फर्ज था, ख्वाब में देखा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सरकार अली सलाम ने अपनी दोनों आस्तीनों को चढ़ाया हुआ है, इस हालत में ख्वाब में आते हैं दोनों आस्तीनों को चढ़ाया हुआ है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में मैं कई तलवारें देख रहा हूं, और सरकार अली सलात उत्सीम के सामने मैंने देखा कि किसी को कत्ल किया गया, किसी को क्या किया गया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन सब पे लानत भेजी कि जिन्होंने मेरे नवासे के साथ ये काम किया, मैं उन सब पे क्या भेजता हूं, लानत भेजता हूं। ये कहने लगा, फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया हत्ता के जिसने सिर्फ यजीदियों की, हत्ता के जिसने सिर्फ यजीदियों की तादाद को बढ़ाया, सिर्फ उनके साथ चला आया,
رسول کریم نے فرمایا میں ان پہ بھی لعنت بھیجتا ہوں, میں ان پہ بھی, ان کو بھی سرکار نے برا فرمایا, برا کہا. اور اس کے بعد کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین کے خون سے رسول اللہ نے سرمے کی ایک سلائی کو, جس طرح سرمے سے ڈال کے نکالا جاتا ہے, رسول اللہ نے امام علی مقام کے خون میں ڈالا, پھر اس کو نکالا اور میری آنکھوں میں لگا دیا, لوگوں میں اسی وقت سے اندھا ہو چکا ہوں, میں اسی وقت سے کیا ہو چکا ہوں. یہ لکھتا ہے یہ امام علی مقام کی کرامت ہے, بعد از پردہ فرمانے کے, بعد از پردہ فرمانے کے. اور کرامت کا ظہور کن کے ہاتھوں ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں, آپ کے پردہ فرمانے سے 51 سال بعد میں واقعہ کربلا ہوتا ہے. ایک پلیت صرف یزیدی گروپ کے ساتھ چلا آتا ہے, رسول اللہ نے اس کو بھی چن کے نبینا کر دیا. معلوم ہوا سرکار یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. سرکار وہی عقیدہ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے جو ہمارا ہے کہ نبی سے کوئی چیز بھی زہر پردہ فرمانے سے پہلے اور پردہ فرمانے کے بعد پوری کائنات میں کوئی ذرا بھی رسول اللہ سے چھپا ہوا نہیں. تبھی تو جا کے سلائی اس کو پہنائی, کسی اور کو کیوں نہیں پہنا دی, کسی اور پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی اسی بےمان کو جو صرف یزیدیوں کے ساتھ چل کے آیا, جو صرف یزیدیوں کے ساتھ چل کے آیا. تیسری کرامت شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں, ایک شخص صحابہ میں سے, حضرت سیدنا خارجہ بن زید, حضرت سیدنا خارجہ بن رضی اللہ عنہ, ایک دفعہ مدینہ منورہ کے راستوں پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, اچانک گرے اور انتقال ہو گیا. صحابہ میں اچانک وفات بہت کم لوگوں کی ہوئی ہے, یہ یاد رکھیں. اسی لیے بعض روایات میں اچانک موت سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ پھر کوئی وصیت نہیں کر پاتا, اچانک موت جب آئے تو بندہ کوئی وصیت, کوئی جو گھر والوں کو کہنا ہوتا ہے دوستوں کو وہ بیچارہ کہہ سکتا. صحابہ میں ایسی موت بہت کم لوگوں کو آئی, اکثر کی جو موت تھی وہ آہستہ آہستہ, گویا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی جا رہے تھے, گویا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی جا رہے تھے, وصیتیں کر کے جو جو کہنا تھا سب کچھ. ان کا انتقال ہو گیا اچانک, کفن دے دیا گیا. اب بعض لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کہیں زندہ تو نہیں, کیونکہ اچانک موت بہت کم لوگوں کی ہوتی تھی, اور کوئی ایسا ڈاکٹری نظام بھی اس وقت نہیں تھا جو آج کل جدید میڈیکل سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اللہ کی عطا سے. تو لوگوں کو شک ہو گیا کہ یہ کہیں زندہ نہ ہوں, بے ہوشی کے عالم میں نہ ہوں, اس لیے ان کے دفن کرنے میں قدر انہوں نے دیر لگا دی. حالانکہ وہاں تو دفن کے لیے اتنا ٹائم لگتا, بندہ وفات پا گیا, ایک کو بھیجا غسل کو پروگرام, دوسرے کو بھیجا قبر کی طرف. جب یہ دونوں صورتیں تیار, اللہ اکبر جنازہ پڑھا کے ان کو سپرد کر دیتے تھے. اس محلے میں وفات ہوئی, اگلے محلے کے رشتہ دار ابھی نہیں آئے ہوتے تھے, بندہ قبر میں پہنچ جاتا تھا. وہ تو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق جلدی دفن کر دیا کرتے تھے. اب دیر اس لیے ہو گئی, جب مغرب اور عشاء کا درمیانی ٹائم ہوا, یہ سرکار کا غلام ہے. کون ہے؟ سرکار کا غلام اشرف علی تھانوی لکھتا ہے. لوگوں نے ایک آواز سنی, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. غور کیا تو کفن کے نیچے سے آواز آ رہی ہے, کفن کے نیچے سے. شیخ اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اللہ والے تو مرنے کے بعد بھی گفتگو کر لیا کرتے ہیں, اس کے تحت اس کرامت کو لے آیا ہے, اس کے تحت اس کرامت کو نقل کیا. خاموش ہو جاؤ. غور کیا تو آواز کہاں سے؟ کفن کے نیچے سے آ رہی تھی. کہنے لگے آپ کے چہرہ مقدس سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, سرکار خاتم النبی. میرے بھائی عاشق تھے, کوئی عام بندہ تو نہیں تھا. بھلے مر گئے, زبان سے صرف مصطفیٰ کریم کی شان ہی نکل رہی ہے. غور کریں, عاشق ہوں تو ایسے ہوں.
सरकार क्या है? खातम उन्ना, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। यह पहली किताब में फिर कहा, सच फरमाया, सच फरमाया। यह सारा मुर्दा कलाम कर रहा है और फिर कहते हैं यह है रसूलुल्लाह, जिस बात के लिए मैं इसको ले आया। हालांकि सरकार तो दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे और ये कह रहे ये है रसूलुल्लाह, और घर वाले देखते हैं इतना कलाम करने के बाद फिर खामोशी। जब उनको यकीन आया कि ये तो उसी वक्त से ही दुनिया से चले गए, फिर उनको उन्होंने जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। अब यहां दो बातें काबिले जिक्र हैं। नंबर एक, अशरफ अली थानवी लिखता है, अल्लाह वाले तो मरने के बाद भी चाहे तो कलाम कर सकते हैं, चाहे तो। यह बात साबित की उसने कि अल्लाह का वली चाहे तो मरने के बाद जिंदू से कलाम। नंबर दो, अगर रसूलुल्लाह किसी अपने गुलाम के मरने पे तशरीफ ले आए तो तशरीफ लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे थे ये है रसूलुल्लाह, ये है रसूलुल्लाह। आखिरी कलमात यहां खत्म किए और फिर उसी हालत में, और फिर उसी सरकार इनके मरने के बाद इनके लिए या मरने के बिल्कुल करीब करीब सरकार तशरीफ ले आए। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में यह कोई बईद नहीं है कि सरकार जिस गुलाम को चाहे नजा के वक्त अपना दीदार अता फरमा दें, नजा के वक्त अपना दीदार अता फरमा दें। रसूल कायनात फखरे मौजूदात अलैहि सलात व तस्लीम की शरीयत मुतहरा की रोशनी में यह सफर नंबर 65 पे अशरफ अली थानवी लिखता है, हजरत साद बिन उबादा रदियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है, इनकी करामत ले आए, जलालुद्दीन बसरी दमिश्की ने यह सारी गुफ्तगू की जिसको हम नतीजतन आप तक पहुंचा रहे हैं। एक अल्लाह का वली हजरत सैयदना साद बिन उबादा की कब्र पे पहुंचते हैं और फिर ख्याल ही ख्यालात में गौर करना, दिल ही दिल में सोचने लगते हैं पता नहीं यही कब्र जिस साहेब की कब्र में मैं आया हूं हजरत साद बिन उबादा की है भी सही कि नहीं, तलफ्फुज नहीं अदा किए, खड़े कब्र पे हैं, दिल ही दिल में सोचते हैं। लिखने वाला कौन है? अशरफ अली जी, कब्र वाले मुर्दे हैं। मुर्दे हूं तो फिर दिल के हालात कैसे जान लेते हैं? सुनो, कहता मैं दिल ही दिल में कह रहा था कि पता नहीं ये कब्र जिसमें मैं आया हूं ये साद बिन उबादा की है, किसी और की तो नहीं। कहते अचानक मुझे ऊंग आ गई, अचानक मुझे ख्वाब में क्या देखता हूं, कब्र फटती है, एक शख्स कब्र से निकलता है और कहता हां हां मैं ही साद बिन उबादा हूं, हां हां मैं ही साद बिन। मेरे भाई गौर कर, ये सारी शान रसूलुल्लाह के गुलामों की मानी जा रही है कि दिल का ख्याल है और बताने वाला वो है जो कब्र के अंदर है। अगर रसूलुल्लाह के गुलाम कब्र में तशरीफ रखने के बावजूद आने वालों के दिल के ख्यालात को जान लेते हैं तो क्या ख्याल है पाकिस्तान में बैठे हुए किसी मुस्लिम के दिल के ख्यालात को मुस्तफा करीम नहीं जानते? अभी आगे आप सुनेंगे हजारों किलोमीटर दूर की खबरें अशरफ अली थानवी ने लिखा है, अल्लाह के वलियों ने अता फरमाई है। आगे आप सुनेंगे जो मैंने इब्तदान तमहीद के अंदर अपने अकायद अर्ज किए थे वो सारे इस किताब के अंदर मौजूद हैं, लेकिन साबित किन के लिए किया गया? अल्लाह के। जब वली के लिए साबित हैं तो इमाम अलंबिया के लिए क्यों नहीं साबित? हालांकि वली बनता ही तब है जब रसूलुल्लाह का सच्चा कोई गुलाम बन जाता है, जब आपकी शरीयत में कुछ चलता है फिर विलायत की तरफ उसका कदम बढ़ता है। जो आपके तरीके पे चलने वालों को यह शान हो हजारों किलोमीटर दूर जो कुछ हो रहा है वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो क्या ख्याल है जिनकी शरीयत पे चल के जिनके तरीके को अपना के ये रुतबा बंदे को मिल जाए, तो जिनके तरीके पे चल के ये रुतबा मिलता है उस जात की अपनी शान का क्या आलम होगा। ये साद बिन उबादा है, क्या फरमाया? ये साद बिन
फरमाया तू किसी गलत कब्र पे नहीं आया, तू जो सही जो सोच के आया ये वही है, जो तू सोच के आया ये वही है। सफा नंबर 98 पे लिखते अशरफ अली थानवी जमाल उल औलिया में, ये वो करामत है सैयदना शहनशाह अदालत इमाम उल मशारिक वल मगारिब हज़रत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अशरफ अली थानवी लिखते हैं हमारे पास बहुत सारी हदीसें इन बातों पर, लेकिन हम चाहते हैं जो आज अल्लाह के वलियों के लिए अशरफ थानवी ने साबित किया, आज उन्हीं बातों को नबी की जात से नफी करने की कोशिश की जा रही है और इनके मानने वाले करते हैं। हम तो उन अपने कौमी भाइयों को अपील कर रहे हैं कि गौर करो, जो चीजें तुम नबी के लिए नहीं मानते, तुम्हारे मसलक की बुनियाद जहां से चलती है, अशरफ थानवी ने तो वो रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए मान ली थी, रसूलुल्लाह के। कहते हैं सरकार फारूक आजम खलीफा सानी मदीना मुनवरा में, कहा है मदीना मुनवरा मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ पे तशरीफ ले आते हैं, उधर फारस में आपने फौज भेजी हुई है, हजरत सारिया रज़ियल्लाहु अन्हा उस फौज के सिपा सालार मदीने में बैठ मस्जिद नबवी के अंदर है, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, अशरफ अली थानवी लिखता है लोगों गौर करना कितने दूर बैठे, कहां फारस कहां मदीना, और कोई इंटरनेट का दौर भी नहीं था, आज से 1400 साल पहले की गुफ्तगू की जा रही है, उस वक्त कोई मोबाइल का दौर भी नहीं था। मेरे भाई गौर करना, फारूक आजम यहां खुतबा देते देते एक जुमला जो खुतबे से मुतलका नहीं है बोलते हैं, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ जबल की तरफ मुतवज्जे हो। सहाबा में एक सहाबी मौला कैनात मौला मुश्किल कुशा अली मुंतजा को कहते हैं या अली ये क्या है या अली, क्योंकि वो जानता था ना कोई पहुंचे ना पहुंचे अली तो वहां पहुंचा हुआ है, तभी पूछा या अली ये क्या है, आपने फरमाया छोड़ो ये वो बंदा है जो चाहे उसको कर्ज गुजरता है, जो इसके जी में आ जाए अल्लाह ने इतनी शान दी उसको कर गुजरता है, ये जो कर रहे हैं इस्लाम के हक में यही बेहतर है, इनको करने दो इनको। फिर जब बात खुली मदीने से बैठ के आवाज भी पहुंच रही है फारस के शहर तक मुल्क के फारस तक, मदीने में बैठ के निगाह भी फारूक आजम की पहुंच रही है, मेरे भाई कभी तूने गौर किया है ये फारूक आजम किस तरह इस दर्जे तक पहुंचे हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कर करके पहुंचे हैं। खुद फरमाया करते थे जब हुक्मरान बने, ए उमर तुझे कौन जानता था, तू तो खताब जी अपने बाप के ऊंट चराने वाला है, आज पूरी सल्तनत इस्लामिया पे तेरी हुक्मरानी चलती है। कहा करते थे ए हसनैन करीमैन ये सारा कर्म तुम्हारे नाने का है, ये सारा कर्म तुम्हारे नाने का है। हसनैन करीम इनको खिताब करते हुए फरमा दिया करते थे सरकार के वसीले से जिनकी निगाहें सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सफर कर रही है, सरकार के तवस्सुल और गुलामी की वजह से जिनकी निगाहें मदीने में बैठ के मुल्क के फारस तक पहुंच रही है, मदीने में बैठ के जिनकी आवाज फारस के फौजी सुन रहे हैं, मेरे भाई ये तो गुलाम की शान है, जिस आका से इनको फैज मिला है मुस्तफा करीम की शान क्या होगी। तुम किसी हदीस को ना मानो, कम से कम जमाल उल औलिया अशरफ अली थानवी ही की मान लो, ये तो तुम्हारे घर की गवाही है, ये तो तुम्हारे और एक अल्लाह के वली के लिए, क्योंकि जनाब फारूक आजम नबी नहीं है, फारूक आजम नबी और कायनात के सारे औलिया एक तरफ अव्वलीन व आखरीन जमा हो जाएं, किसी सूरत में भी गौस कुतुब अब्दाल सारे किसी नबी की शान तक ये सारे नहीं पहुंच सकते, और जिस नबी की हम बात कर रहे हैं वो तो सारे नबियों के भी इमाम हैं, वो तो सारे नबियों के भी इमाम हैं। हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन के बेटे की करामत मोहम्मद अलबाकिर रज़ियल्लाहु अन, शेख अशरफ अली थानवी सफ़ा नंबर 111 जमाल औलिया पे लिखते हैं
कि मंसूर और दाऊद बिन सुलेमान, मंसूर और दाऊद बिन मस्जिद नबी में किसी घर से आए, उधर जनाब इमाम मोहम्मद बाकर तशरीफ रखते हैं। आप अपने गुलामों में से किसी को फरमाते हैं, तुमने मंसूर को देखा? अभी ये मंसूर यानी खिलाफत अब्बासिया का अभी आगाज ही नहीं हुआ, तुमने मंसूर को देखा? ये मंसूर अन करीब बादशाह बन जाएगा, ये मंसूर मानने पे आ जाए तो फिर वलियों के लिए भी गैब मानने के लिए तैयार, ना माने तो इमाम अलंबिया के लिए भी ना माने। इधर अशरफ अली थानवी ने एक वली के लिए लिख दिया, अभी खिलाफत अब्बासिया का आगाज हुआ, क्या फरमा रहे हैं? मंसूर को देख रहे हो, ये अन करीब क्या बन जाएंगे? बादशाह बन जाएंगे, अन करीब बहुत बड़े खजाने ये दौलत के इकट्ठे करेगा, अन करीब ये मशरक मगरब को रौंदने वाला बन जाएगा। तो दाऊद ने ये खबर पहुंचाई मंसूर तक कि जनाब आपके बारे में यह कहा जा रहा, वो दौड़ा दौड़ा आया, वो आपकी बारगाह में बहुत कम आया करता था, बहुत ही आके अर्ज करने लगा, हजूर मैं आपकी बारगाह में सिर्फ इसलिए नहीं आता, आपका जलाल मुझे माने, आपका जलाल मुझे आपकी बारगाह में आने से रोक देता है, मैं डरता हूं आपसे। क्योंकि आपकी आदत थी इस तरह के और भी बुजुर्गों की, जब अपनी मौज में आ जाते तो कोई जालिम सामने आता तो उसकी सारी की जो माजी में गुजरा सामने कह देते, अरे जालिम तूने फलां दिन ये किया तुझे शर्म नहीं आती, अरे जालिम तूने फलां दिन ये किया तुझे शर्म नहीं आती, छोड़ इन कामों को। कहने लगा आपका जलाल मुझे माने, दाऊद ने मुझे एक खबर दी है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी बादशाह बन जाऊंगा। फरमाया मैंने कह दिया है ना, कुछ देखा है तो कहा है, कुछ देखा है तो। अशरफ अली थानवी लिखते हैं चंद अरसा गुजरा जो सरकार की आल के फाद ने गैबी खबर दी इमाम बाकर ने, वो बंदा चंद अरसे के बाद बादशाह बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई? ये सरकार के खानदान, वो खानदान वाले हैं जो गैब की खबरें दे रहे हैं, और लिखने वाला कौन है? यार हम कोई गालियां थोड़ी दे रहे हैं, आप बोलें तो सही। अशरफ अली देवबंदियों के बहुत बड़े पीर हो, देवबंदियों के मसलक की बुनियाद इधर से ही चलती है। जब एक वली के लिए यह माना जा रहा है तो फिर इमाम अलंबिया के लिए क्यों नहीं माना जाता? इस बात पे दावत फिक्र भी देते जा रहे हैं हम साथ साथ। एक ही बात, जब नबी अलैहि सलाम की शान नहीं हो सकती तो वली की कैसे हो गई? और यह तो बात ही इस्लामी उसूलों के खिलाफ कि कोई वली किसी नबी से अफजलियत वाली सूरत में चला जाए, यह बात कभी हो सकती? इसलिए एक पूरा गिरोह है जिनको इसी बात पे काफिर करार देता है इस्लाम, जो इमामों को खुसूसन 12 आइम्मा को रसूलुल्लाह से और पीछे वाले तमाम अंबिया से फजीलत देते हैं, गैर नबी को अंबिया पे फजीलत देते हैं, इस वजह से उनको काफिर कहता है इस्लाम। क्योंकि इमाम जितनी मर्जी शान का मालिक हो जाए, भले पहला इमाम अली अल-मुर्तजा ही क्यों ना हो, किसी नबी की शान के बराबर नहीं हो सकता। चे जाए कि नबी से अफजल माना जाए, चे जाए कि नबी से, क्योंकि ये तो नबियों के खादिम और गुलाम है, नबियों के खादिम और गुलाम है। मेरे भाई गौर करना, शेख अशरफ अली थानवी सफा नंबर 151 पे लिखते हैं, शेख इब्ने अरबी के बारे में लिखते हैं, किनके बारे में लिखते हैं? शेख अकबर सुल्तान और आरिफीन सैयदी मुहयुद्दीन इब्ने अरबी रदियल्लाहु अन्हु। आपने जुमला फरमाया था, बहुत सारी करामत आपकी लिखी, हम एक बात पे रफा रहे हैं। फरमाया जब सीन, जुमला गौर से सुनने, इब्ने अरबी ने अपनी जिंदगी में कहा था जब सीन शीन में दाखिल हो जाएगी, जब सीन किस में दाखिल हो जाएगी, तो इब्ने अरबी की कब्र उस वक्त जहर हो जाएगी। जिंदगी में ये इरशाद फरमाया जब सीन किस में दाखिल हो जाएगी, फरमाया इब्ने अरबी की कब्र का पता उस वक्त चलेगा, जहर उस वक्त होगी, पहले नाम और निशान नहीं होगा। अगली बात, आपकी वफात है
638 सन हिजरी में, और यह जुमला जब सीन शीन में दाखिल होगा, सलीम नामी एक बादशाह ने आना था। सलीम जब बादशाह बन जाएगा, सीन जब शीन में दाखिल हो जाएगी, और पता है कब आना था, 923 सन हिजरी को, 300 साल पहले। इब्ने अरबी ने कहा हमारी कब्र पे मकबरा उस वक्त बनेगा जब सलीम नामी शख्स 923 सन हिजरी को बादशाह बनेगा। अल्लाह उसको कुछ दिखाएगा, वो मेरी कब्र पे मस्जिद भी बनाएगा, गुंबद भी बना डालेगा। लिखने वाला कौन है? अशरफ अली। अगर रसूलुल्लाह का एक गुलाम, रसूलुल्लाह की उम्मत का एक आलिम शेख इब्ने अरबी 300 साल बाद में होने वाले कामों की खबर 300 साल पहले दे देते हैं, तो क्या बईद है? ये रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, तो फिर क्या मुश्किल है कयामत तक के लिए कि मेरे महबूब से कोई चीज छुपी हुई? ये तो इब्ने अरबी एक आलम दीन है, रसूलुल्लाह की शरीयत के एक आशिक रसूल है, रसूलुल्लाह के गुलाम है। हम अगर किसी और किताब से अर्ज करते तो शायद कह दिया जाता मन गलत कहानी है। अगर मन गलत कहानी है तो शेख अशरफ से पूछ, अशरफ अली थानवी से पूछ, क्या तू सारी जिंदगी मन गलत कहानियां लिखता रहा? मेरे भाई ये हकीकत है, तेरे मसलक की हकानियत यह है। अपने तो अपने, दूसरे भी मान लेते हैं, भले किसी माहौल में आके, भले किसी स्टेज पे ना माने, किताबों में तो मान लिया ना, बस इतना ही काफी है। स्टेज पे आया और गया, किताब वाला जुमला तो फिर बाकी रहता है ना, किताब वाला जुमला तो फिर बाकी रहता है। गौर करें, शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं, एक अल्लाह के वली के पास जमालुल औलिया में लिखते, एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर हमने ये तो सुना है, हमने ये तो कि अल्लाह का वली एक कदम उठाता है हजारों मील तय कर जाता है। क्या सवाल किया उस बंदे ने? अल्लाह का वली एक कदम उठाता है हजारों मील दूर चला जाता है। कहने लगे क्या इससे और भी कोई कैफियत है कदम उठाने के अलावा? अशरफ अली थानवी ने जमालुल औलिया में लिखा, अल्लाह के उस वली ने कहा हां, इसके अलावा भी अल्लाह के वलियों की एक हालत होती है जिसमें वो कदम भी नहीं उठाते और सफर इससे भी दूर कर जाते हैं, और सफर इससे भी दूर कर जाते। कहने लगा हुजूर वो कैसे? फरमा ठीक है फिर करीब आ, ठीक है फिर। फरमा देख मैं कदम नहीं उठा रहा, कदम उठाया भी नहीं। फरमा देख तू कहां है? फिर फरमा अब देख तू कहां है? कदम नहीं उठाया। अल्लाह के वली की बात लिखने वाला शेख अशरफ अली, तू पूछ रहा है कि कदम से हजारों किलोमीटर, हजारों मील दूर चले जाते हैं एक कदम से। तूने पूछा इसके सिवा भी कोई हालत होती है? मैंने कहा हां होती है, बस वो यूं हरकत, यूं हरकत करते, यूं, वो कदम भी नहीं उठाते। और कहता है जी मैंने अपने आप को एक अजीब और गरीब मुल्क में पाया, वो अल्लाह का वली भी मेरे साथ। तो पूछ रहे हैं पता चला है कि कदम के अलावा भी कुछ और होता है? फरमा तुझे पता है कि हम उस जगह से अब कितने दूर हैं? अशरफ अली थानवी की जुबानी सुनो, कुरान और सुन्नत तो वैसे हर हाल में बोलते हैं, हम दरअसल खास गिरोह की सलाह के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए बार बार इस शख्स के जुमले आ रहे हैं कि शेख अशरफ अली थानवी की जुबान से सुनो, खास गिरोह की इसलाह मकसूद है। कहते हैं तुझे पता है अल्लाह के वली ने फरमा हम उस जगह से कितने दूर आ गए? उसने कहा जी मुझे नहीं पता। आपने फरमाया अगर कोई बंदा वहां से 2 महीने मुसलसल सफर में रहे, कितना अरसा, तो वो इस मुल्क तक पहुंचेगा
जिस मुल्क में हमने कहा था तू देख कहां है, फिर हमने कहा अब कहां है, फिर हमने कहा अब तू। तो एक अल्लाह का वली जो आनन फानन दो महीने की मुसाफत पे खुद भी चला गया, मुरीद को भी साथ ले गया, तो उस अल्लाह के वली से कायनात का कुछ जरा छुपा हुआ है? और ये बात किसकी हो रही है, किसी नबी की या वली की? ऊंची बोलो, मजीद ऊंची बोलो। और बात करने वाला कौन है? हमने कोई गाली तो नहीं दी, जिस वक्त से बैठे हैं एक दफा भी गलत तरीके से इनका नाम ले लिया, क्योंकि मकसूद इसलाह है। मकसूद क्या है? गलत नाम लेने से कोई मसलक नहीं साबित हो जाएगा। मुमकिन है इस तरह बयान करने से मुमकिन है कि किसी की अकल में आ जाए कि यार जब उन्होंने ये लिखा और वली के लिए लिखा तो हम तो ये कहते हैं नबी दीवार के पीछे कुछ नहीं जानता, शायद उनकी अकल खुल जाए। भाई जो दो महीने तक इशारे में चला गया कि दो महीने बंदा घोड़े पे सफर करे, तो वहां तक पहुंचे, अगले ने इशारे में पहुंचा दिया, तो उससे जहान का गुजरा छुपा हुआ? जब वली से छुपा हुआ नहीं तो मुस्तफा करीम से कैसे छुप गया है? शेख अशरफ अली थानवी जमाल उल औलिया में लिखते हैं, जमाल उल सफा 155 पे लिखते हैं, अल्लाह के एक वली मोहम्मद बिन उमर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारगाह में एक मुरीद आता है, पूछता है हुजूर मुझे रूह के मुतलका कुछ आप इरशाद फरमाए, मैं रूह के मुतलका कुछ सीखना चाहता हूं। किस चीज के मुतलका? रूह के मुतलका मैं कुछ सीखना चाहता हूं, आप मुझे इरशाद फरमाइए। आपने फरमाया बेटा तूने कुरान नहीं पढ़ा, बेटा तूने कुरान नहीं पढ़ा, इसका इस चीज का जिक्र तो कुरान में आ गए। वयस अलून का अनि रूह, ए महबूब आपसे रूह के मुतलका पूछते हैं आपसे। फरमाया बेटा जिस चीज के बारे में रसूलुल्लाह ने जितना जवाब दिया हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, हम उससे आगे, जब आपने हिकमत के तहत इसकी हकीकत को वाजे ना फरमाया तो हम कौन होते हैं? हां अगर तेरे जहन में यह ख्याल हो कि शायद हमें पता नहीं तो सुन, शेख अशरफ अली थानवी सफा 155 पे अल्लाह के वली मोहम्मद बिन उमर अबू बकर की जुबानी एक मुरीद को कहा जा रहा है, हम उस चीज पे कलाम नहीं करना चाहते, हां उतना करेंगे जितना रसूलुल्लाह ने किया है। बकाया अगर तू इल्म देखना चाहता है, फरमाया बेटा गौर से सुन मुझे अल्लाह की कसम है। कौन कह रहा है? अल्लाह का वली रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम मोहम्मद बिन उमर अबू बकर कह रहे हैं मुझे अल्लाह की, अगर तू यही जिस जगह मैं हूं हल मकाम हल में खड़े थे, अगर तू पूछना चाहे कयामत के दिन जब हिसाब और किताब होगा, गौर से सुनना बात, यह रसूलुल्लाह के गुलामों की बात हो रही है और अशरफ अली थानवी की जुबानी बात हो रही है, कयामत के दिन जब लोगों का क्या होगा? ए बेटे अगर तू मुझसे पूछना चाहे तो मैं तुझे बता सकता हूं उस बंदे का नाम, उस बंदे के वालिद का नाम, जिस जिस बंदे के सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा, और मैं तुझे बता सकता हूं आज ही खड़े होकर कयामत के दिन जिस जिस बंदे के उल्टे हाथ में उसका नामा अमाल दिया जाएगा, मैं उसका नाम भी उसका नसा भी जानता हूं। बेटा मजबूरी यह है हमारे ऊपर शरीयत की पाबंदियां होती हैं, हम बता नहीं सकते शरीयत की वजह से, वरना फकीर तो यह भी जानता है जन्नत में जाने वालों का नाम क्या है, उनका नसब क्या है, जहन्नम में जाने वालों का नाम क्या है, उनका नसब क्या है। अल्लाह के महबूब की उम्मत के एक वली की शान है। ना मानो आला हजरत की किताबों को, कम अज कम अशरफ अली थानवी को ही मान लो। कोई बात जो हम इधर से कर रहे हैं अगर जमाल उल औलिया से ना हो
हम मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार, अव्वल तो हमने इनको कोट किया हुआ, यही भी कोई भाई देखना चाहे उर्दू में यह किताब खड़े होकर देख सकता है, वरना इसको मार्केट से खरीदे। मैं सारी किताब तो एक साल में भी आपको नहीं सुना सकता, चंद बातें आपके सामने रख रहा हूं। इसके अंदर सारे यही अकायद इस तरह के लिखे हुए हैं। जब अल्लाह का वली कौन जन्नत को जाएगा, कौन जहन्नम को जाएगा, न जाने कब कयामत कायम हो, न जाने जो ये दावा कर रहा उसको यह भी पता है कि कब कायम होगी, उस वक्त तक कितने आएंगे, उनमें से कौन कौन जन्नत को, जिसके सीधे हाथ में नामा माल मिला वो जन्नत को गया, और कौन कौन जहन्नम को। जब रसूलुल्लाह की उम्मत का एक फर्द, रसूलुल्लाह के गुलामों में से एक गुलाम ये सारा कुछ जानता है, गवाही तुम्हारे घर की है, तो हम पूछते हैं फिर रसूलुल्लाह की जात से क्या चीज छुपी हुई है। अकीदा वही जो सहाबा का, अकीदा वही जो अहले बैत का, अकीदा वही अच्छा जो 1400 साल के मुसलमानों का, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है हमारे मसलक पर आज अहले सुन्नत या रसूलल्लाह कहने वालों का अकीदा भी वही है जो अकीदा कुरान और सुन्नत ने अता फरमाया है, जो अकीदा कुरान और सुन्नत ने। शेख अशरफ अली थानवी जमाल अल औलिया में लिखते हैं, जमाल एक अल्लाह के वली दरियाए फुरात के किनारे मुरीदों के साथ चहलकदमी फरमा रहे थे। इनकी चहलकदमी फरमाने में भी कई हिकमतें होती हैं। फरमाया, ए लोगो, कहां फुरात, दरियाए फुरात, और कहां है हिंदुस्तान, गौर करना। अशरफ अली थानवी सफा 158 पे लिखते हैं, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली, इसी वली की बात है जिसकी पहली बात की कि मैं कयामत तक के जन्नती और जहन्नमियों को जानता हूं, उनके नाम उनके नसब नामे जानता हूं, नहर फरात दरिया फरात पे चहल कदम फरमा रहे हैं, मुरीदों को फरमाया, हमारे मुतवस्सलीन में से, हमारे जो हमसे तवस्सुल लेते हैं, हमारे जरिए से अल्लाह की बारगाह तक पहुंचते हैं, उनमें से एक फर्द हिंदुस्तान में उसने असर की, आज की असर जिस दिन की बात हो रही है, असर की नमाज पढ़ी है, असर की, और उसके बाद उनके जहन में आया कि मैं अपने जिनसे तवसल करता हूं आज उनकी जियारत क्यों ना कर लूं। तो शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं, उसने असर की नमाज पढ़ी कहां, पहुंची बोलो आखिर तक कहां, और शेख कहां मौजूद है, दरिया फरात। मेरे भाई गौर कर, इराक मुल्क इराक में शेख मौजूद, हिंदुस्तान में शेख का मुतवस्सलीन में से मुरीद मौजूद, शेख दरिया फरात पे खड़े होके क्या खबर दे रहे हैं, असर की नमाज एक हमारे मुरीद ने कहां पढ़ी है, क्योंकि वो रहशी है हिंदुस्तान का, और उसके दिल में ख्याल हुआ क्यों ना अपने शेख की जियारत ही कर लूं। मेरे भाई, अगर एक वली इराक में खड़े होकर हिंदुस्तान के फर्द के दिल के ख्यालात को जानता है, तो इस वली को जहां से सारा फैज मिलता है, मुस्तफा करीम की साथ भी पूरी दुनिया के लोगों के दिल के ख्यालात को जानते हैं। और लिखने वाला अशरफ थानवी है, लिखने वाला कौन है इस बात को। अगली बात, कहा है मेरे मुरीदों, उसने हिंदुस्तान से मुल्क इराक तक सारा सफर सिर्फ एक कदम उठा के तय कर लिया है, सारा सफर सिर्फ। हां, अब हमसे कुछ दूर उसने अपने इस हाल को मौकूफ किया सिर्फ मेरे अदबो एहतराम की खातिर, अब आम हालत में चलता हुआ आ रहा है, अभी तक मुरीदों ने देखा नहीं है, अब आम हालत में वो चलता हुआ। तो अल्लाह के वली की निगाह से आलम में कोई छुपा हुआ ना हो तो क्या ये इंसाफ है कि वो सुबह करीब दीवार के पीछे ना जानते हूं। अरे बेईमान हो, ये अकीदा मुस्लिम का नहीं, जो अकीदा तुमने करा है ये किसी काफिर का हो सकता है, मुसलमान का यह अकीदा हो सकता।
कहा कि हिंदुस्तान से इराक तक कितनी देर में सफर तय किया भाई? एक कदम उठाने में जितनी देर लगती है, शायद कोई एक से दो सेकंड। कदम उठाया, जब उठा रहे थे हिंदुस्तान में थे, जब उठा के रखा तो इराक में पहुंच गए। कमाल तो उनका है जो इनके सारे सफर को देख रहे हैं। क्यों ना देखें, ये सारी शानें इसी से तो मिल रही थी। ये आगे लेके फिर आगे तकसीम फरमा, अब वो उतर पड़ा है सिर्फ मेरे अदब एहतराम की गर्ज से। अब वो जिस तरह बंदे चल के आते हैं ना, आम लोग, वो इसी तरह चल के आ रहा। जब आ जाता है, शेख अशरफ अली थानवी ने लिखा, फिर अपने मुरीदों को बात पूरी करने के लिए उस आने वाले से पूछा, क्या तू हिंदुस्तान से आया? उसने कहा, हजूर मैं हिंदुस्तान से ही आया हूं। फरमा, क्या तूने आज की असर घर पड़ी थी? अर्ज की, हजूर मैंने असर घर ही पड़ी थी। फरमा, क्या तूने एक ही कदम में हिंदुस्तान से रात तक अपने आप को पहुंचाया? अर्ज की, हजूर मैंने ऐसे ही किया। आगे मेरे अदब एहतराम के लिए तू इसरा चलता हुआ आया, हजूर ऐसे ही किया। फरमाया, तू सिर्फ इसीलिए आया है ना, जब तू असर हिंदुस्तान में पड़ रहा था, तेरे दिल में ख्याल उठा क्यों ना हो कि अपने शेख की जियारत ही करूं, मुरीदों को पता चल जाए जो मैंने कहा वो हक है। कहने लगा, हुजूर मैं सिर्फ आपकी जियारत करने के लिए आया हूं, इसी नीयत से आया हूं। हिंदुस्तान में रहने वाले शख्स के दिल के इरादे को अगर इराक में खड़ा हुआ अल्लाह का वली जान लेता है, तो फिर पूरे वर्ल्ड में, हा वो जमीन हो, वो तहत सरा हो या तहत सरा से लेकर अरशे उला से आगे तक हो, फिर कोई जरा मुस्तफा से छुपा हुआ जियारत हो गई। अशरफ अली थानवी लिखते, इसने कहा, हुजूर मैं वापस जाना चाहता हूं। फरमाया, नहीं, आज की रात हमारे घर ठहरना होगा, इतनी दूर से आए हो, कुछ टाइम ठहरो। रात ठहर गए, अगले दिन हो गया। अशरफ अली थानवी लिखते हैं, शेख ने कहा मेरे साथ चलो, शेख ने कहा मेरे जंगल की तरफ चल पड़े। फिर शेख ने यूं उनके कांधों पे हाथ रखा, फरमाया, लोगों गौर करना, ये भी आए थे हम अब भेज रहे हैं, ये खुद आए थे हिंदुस्तान से, हम इनको भेज रहे हैं। कांधों पे यूं दोनों हाथ रखे। अशरफ अली थानवी लिखते हैं, शेख ने फरमाया, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, जब मैंने हाथ रखे वो मुल्क इराक में खड़ा था, मैंने यूं हल्की सी हरकत दी, मैंने जैसे हरकत दी हिंदुस्तान में अपने घर पहुंच गया। हिंदुस्तान में वो अपने, यह है अल्लाह के वलियों की करामात का सिलसिला। और आपको पता है, कोई वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक मुस्तफा करीम का सच्चा गुलाम ना बन जाए, फिर वो जादूगर होगा। अगर कोई ऐसा काम करे, मसलन आग उठा ले, मुंह में खा ले, पानी पे तैरता हुआ आ रहा हो और जनाब वाला आग को खाता हुआ आ रहा हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ चलता है, ये जादूगर हो सकता है, रसूलुल्लाह का खादिम साद बिन अभी वकास, ये भी शेख ने लिखा, अशरफ अली थानवी ने लिखा। आप एक मुल्क को फतह करने जा रहे थे, तो जब पहुंचे एक दरिया पर, किश्तियां मांगी, जालिमों ने किश्तियों को अपने कब्जे में ले लिया कि किश्तियां नहीं होंगी तो दरिया पार नहीं कर सकेंगे, तो जंग कैसे करेंगे? हज़रत सय्यदुना साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा कराम को हुक्म दिया, जो मैं कह रहा हूं ये कर डालना, कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, हजूर क्या करना है? फरमाया, हमने जंग करनी है। हजूर किश्तियां तो है नहीं? फरमाया, कोई मसला नहीं, मैं इस दरिया में सबसे पहले अपने घोड़े को अंदर दाखिल करूंगा, तुम तो मेरे पीछे चलते आना, दरिया जाने, मुस्तफा करीम का रंग जाने। इन्होंने भी लिखा और हदीस में भी आया, हमें साथ में नबी वकास ने घोड़े को अंदर डाला, तमाम सहाबा की फौज ने घोड़ों को दरिया में दाखिल कर दिया। लिखते हैं अशरफ अली थानवी, वो इस तरह सफर कर रहे थे जिस तरह खुश्की पे घोड़े धुलाते हुए जा रहे हैं। दरिया पार हो गया, किसी को पानी में किसी तरह का कोई नुकसान, हत्ता कि कपड़े तक किसी के गीले नहीं होते। जब उन बेईमानों ने देखा है ऐसी बात इन लोगों में,
तो हदीस में आता है, उन्होंने जब इनको यूं दरिया को अबूर करते देखा, सामान छोड़ के वो बेईमान काफिर भाग गए। उन्होंने कहा जो दरिया को नहीं छोड़ते वो हमें कब छोड़ेंगे? जिनका तसल्लुत, जिनकी हुक्मरानी, जिनके इख्तियारात दरिया पे चलते हैं, काफिरों के दिल पे रब ने इतना रौब डाला, उन्होंने समझा ये हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, सामान छोड़ के निकल गए। साथ में नबी वकास की इस करामत की बरकत से अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता फरमा ली। और ये भी रसूलुल्लाह के नौकर ही हैं, ये भी रसूलुल्लाह के। अगर शरीयत के खिलाफ चलने वाला ऐसा काम करे वो काफिर होगा, बेईमान होगा, जादूगर होगा। करामत तब बनेगी जब सर से पांव तक मुस्तफा करीम की सुन्नत का पैकर होगा। सुन्नत का क्या होगा? अगली बात गौर से सुनना। शेख अशरफ अली थानवी लिखते हैं, अल्लाह के एक वली थे, उनकी और उनकी बीवी की आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। बहुत ज्यादा क्या थी? मोहब्बत थी। इस शेख का जिक्र करते हुए अशरफ अली थानवी लिखते हैं, इन्होंने अपनी बीवी से यह वादा लिया था कि हम में से जो भी पहले मर जाएगा दूसरा बंदा फिर दुनिया में किसी से निकाह, क्योंकि शरीयत का मसला है जो औरत दुनिया में जिस खावंद के निकाह में फौत हो जाए, अगर दोनों जन्नत को जाएं तो रब कयामत के दिन भी उस औरत को उसी शौहर के लिए बीवी बना डालेगा जो दुनिया में जिसकी जौजियत में फौत होगी। इनकी मोहब्बत इतनी थी, ये चाहते थे हम जन्नत में भी, वादा हो गया। पहले अल्लाह के वली का यानी शौहर का इंतकाल हो जाता, बीवी ने घर बार छोड़ दिया। बड़ी आलीशान खानदान के ये लोग थे, उस इलाके में मशहूर और मारूफ खानदान था। बीवी अपने शौहर की कब्र पे जाके, यानी अल्लाह के वली की कब्र पे जाके, अल्लाह के वली ने घर वालों को वसीयत की थी कि जब मैं फौत हो जाऊं तो मेरा ये कपड़ा, यानी कोई कपड़ा था जिसको आप अपने साथ अक्सर रखते, ये मेरे साथ कब्र में दफन कर देना, ये मेरे साथ कब्र में। घर वालों ने वसीयत को पूरा किया, कपड़ा साथ रखा। अल्लाह जाने को उसमें हिकमत, एक तो आगे समझ आती है और कितनी हिकमत थी वो रब जाने, या रब का ये नेक बंदा जाने। बीवी कब्र पे बैठ गई, इसी शेख के मुरीदों में से एक मुरीद ने इनके घर वालों से इसरार किया कि मैं अपने शेख की बीवी से क्या करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है। शेख की बीवी को कहा गया, बड़ा उन्होंने इसरार किया कि मुझे निकाह की जरूरत, लेकिन वो इस बात से शर्म कर रही थी कि मैं अपना वादा इनको बताऊं कि हमारा तो ये वादा हुआ है, हमारा तो आपस में ये वादा हुआ है। खैर उन्होंने भी शर्म के मारे ना बताया, उन्होंने कह के ला के उनका क्या कर दिया, रुखसती नहीं, निकाह। अब रुखसती का टाइम हो गया, जो दिन जो तारीख मुकर्रर हुई उस दिन वो लेने के लिए आ रहे हैं, और इधर ये अपने पहले शौहर की कब्र के रो रही, मैं तो वादा खिलाफी कर बैठी हूं, लेकिन मजबूरन, लेकिन घर वालों का इशरार है, मैं क्या करूं, एक औरत क्या नहीं कर सकती है बेचारी। खैर उधर से वो आ जाते हैं, इधर से इनकी आंख लग जाती है। अब सुनना शेख अशरफ अली थानवी की जुबानी, देवबंदी हो तुम्हारा ये बहुत बड़ा पीर मुर्शिद है, हम तुम्हें कह रहे हैं जो बातें ये वलियों के बारे में लिख रहा है, खुदारा तुम नबी के बारे में ये बातें मान लो तो हमारा तुमसे इख्तलाफ ही खत्म हो जाए, हमारा तुमसे इख्तलाफ ही खत्म हो जाए। शेख की बीवी को ऊंग आती है, नींद आती है, ख्वाब में क्या देखती हैं, शेख कब्र से तशरीफ ले आते हैं। शेख ने फरमाया अच्छा वादा तूने पूरा किया है। कहने लगी आपको पता ही है आपके घर वालों ने मजबूर किया, मैं क्या करती, मुझे यह शर्त रखी गई निकाह नहीं करोगी तो खानकाह से दूर कर देंगे, मैंने मजबूरन निकाह कबूल कर लिया, आपकी वो वादा वाली बात मैंने बताई नहीं। फरमाया अच्छा ये लो कपड़ा, अब हिकमत समझो क्यों साथ वसीयत की थी दफन कराने की। फरमाया ये लो कपड़ा,
मेरे घर वालों को जाके कह दो मेरे शाहौर साबका ने कहा हमारा वादा हुआ है कि हम किसी से निकाह, तुमने क्यों जबरदस्ती मेरा निकाह कर दिया। फरमाया जब कपड़ा दिखाओगी तो तेरी बात को सारे मान लेंगे, इसलिए वसीयत की थी कपड़ा रख देना। मुस्तकबिल को देख रहे थे ना, जरूरत पड़ेगी। इल्मे गैब अल्लाह के वली भी रखते हैं सरकार के तवस्सुल से। मेरे भाई गौर करना, कहती है मेरी आंख खुलती है, मजारों कतार रो रही, मजारों कतार रो रही हूं। मैंने रोते रोते यह हालत कर दी। घर वालों ने पूछा खैरियत तो है, आज तो तुम्हारी रुखसती का दिन है। कहने लगी खैरियत होती तो मैं रोती ही क्यों। सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी, या अल्लाह तू जानता है मैं मजबूर थी, या अल्लाह तू जानता है मैं। फिर शेख से माफी तलब की, तू भी जानता है, आप भी जानते हैं मैं मजबूर थी। फिर जब घर वालों को इस बात का इल्म होता है, कहा ये देखो तुम्हारे बेटे का कपड़ा, उसकी वालदा को कहा ये जो आपने कब्र में दफन किया था आज मुझे दे गए, मैं मजबूरन बता रही हूं, उनका और मेरा आपस में वादा था, हम में से जो भी पहले मरेगा दूसरा किसी से निकाह। वादे की वजह से मैं रो रही थी, मैं परेशान थी, ऊंघ आ गई। तो शेख मेरी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, ये कपड़ा दिया और कहा अच्छा वादा तूने वफा किया है, अम्मी को देना और पूरी बात बता देना। जब अम्मी को दिया तो घर वाले भी रोना शुरू हो गए। फिर शेख के मुरीद तक बात पहुंची तो शेख का मुरीद कहने लगा मैं इनके वादे को पूरा करने के लिए अपनी इस बीवी को तलाक देता हूं, अपनी इस बीवी को रुख्सती से पहले पहले। मेरे भाई ये सारी गुफ्तगू किसने की है? शेख अशरफ अली। अगर कब्र वाले होते ही मिट्टी के साथ मिले हुए हैं, अगर कब्र वालों को पता नहीं होता पीछे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, अगर कब्र वाले किसी की मुश्किल कुशाई कर ही नहीं सकते, तो हम पूछते हैं इस बात को फिर अशरफ अली थानवी ने क्यों लिखा है, जिससे ये तीन और चौथा मसला इल्मे गैब का साबित हो रहा है। आखिर जो लिखा है एक वली के लिए लिखा है, तुम एक वली के लिए ये सारी बातें मानो तो तुम तो ही प्रश्न। हम सरकार मदीना के लिए ये अकायद रखें तो हम किस तरह मुशरक बन सकते हैं? हमें इन अकायद की बिना पर ही मुशरक कहा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुशरक नहीं, हमारे जैसा तौहीद परस्त तो पूरे वर्ल्ड में कहीं मिलते ही नहीं है। आल सुन्नत खाव हनफी हूं, मालिकी हूं, शाफी हूं, हमली हूं, हकीकी इस्लाम पे चलने वाले मसला का नाम आल सुन्नत या रसुल्ला कहने वाले हैं। खा वो चारों में से किसी इमाम की इक्तदा करता हो, चारों में से किसी इमाम की। बातें बहुत सारी हैं लेकिन अपने अकायद को साबित करने की गर्ज से और उनकी सलाह की गर्ज से जो हमने गुफ्तगू की, उम्मीद है कवि है सुनने वाले का दिल और दिमाग जरूर रोशन होगा कि यार जब अशरफ अली थानवी ने ये सारी बातें, जहां गैब भी है, मुश्किल कुशाई भी है, कब्र की हयात भी है, पूरे वर्ल्ड में तसर्रो फात भी है। और एक बात शेख लिखते हैं, कहते हैं अल्लाह के वली ऐसे थे जो एक ही वक्त में मुख्तलिफ 30 शहरों में, कितने शहरों में जाके लोगों को तबलीग फरमा करते थे। वक्त एक ही है। तसर्रुफात में एक बात आखिर में अर्ज कर दी, एक ही वक्त में अल्लाह का वली अशरफ थानवी ने जमाल अलौलिया में लिखा एक ही वक्त में कितने शहरों में, 30 शहरों में। अपने 30 मिसाली जिस्म के साथ वहां तक पहुंचाया अपने आप को, लोगों को दीन का दर्श अता फरमाया, लोगों को दीन का। तो जब वलियों की ये शान है तो इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन की शान के क्या कहने। तो ये सारी बातें तुम वलियों के लिए साबित कर रहे हो। आले सुन्नत वली के लिए मानते हैं लेकिन सरकार के तवस्सुल से, सरकार के वसीला और जलीला से मानते हैं। और इन्होंने भी लिखा है कि ये वली की करामत हकीकत में इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह अपनी उम्मत में तशरीफ फरमा है, रसूलुल्लाह अपनी उम्मत में तशरीफ। ये जमाल अलौलिया में अशरफ अली थानवी ने लिखा कि अल्लाह का वली जो भी करामत दिखाता है वो फैज सारा मुस्तफा करीम का होता है।
सरकार से लेके आगे तकसीम करते हैं, सरकार से लेके आगे हम दुआ गो हैं। अल्लाह हमें भी अपने अकायद पे इस्तेकामत अता फरमाए, और जिनकी सलाह की गर्ज से हमने कलाम किया पिछले जुमा भी आज भी करामात औलिया के उनवान से, अल्लाह उन सबको भी हिदायत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम।